नवी मुंबई में डीमार्ट के सामने आपको कई सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे, बट डीमार्ट, फाइजर होटल और एयरपोर्ट के सामने तो आपको बस पुष्पक नगर में ही फ्लैट मिलेंगे। वेलकम बैक टू रियल प्रॉपर्टीज। हमारा प्लॉट आता है कॉर्नर प्लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्टर 7 में आता है, मतलब अगर आप पुष्पक नगर कभी आए होंगे तो सेक्टर 5 वाला जो लाइन है, 5 और 7 वाला, वो मेन लाइन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो है शॉप्स होने वाले हैं एंड ये मेन मार्केट एरिया होने वाला है। इन शॉर्ट बोल दूँ तो बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड रहने के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे सारे शॉप्स है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तीनों में आप पार्किंग दी है, थर्ड फ्लोर पे एमिनिटीज है एंड प्लस पॉइंट मेन बोल दूँ इससे बड़ा 1 BHK एंड 2 BHK का कार्पेट एरिया आपको पुष्पक नगर में नहीं मिलेगा। 500 के ऊपर का 1 BHK का कार्पेट एरिया, मेन बस आप गैलरी से पूरा का पूरा प्लेन जाते हुए देखोगे, क्योंकि प्लेन तो ऑपोजिट साइड में ही है। पुष्पक नगर की कनेक्टिविटी अगर हम बोलते तो JNPT रोड सामने ही है, अटल सेतु ब्रिज 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, खानेश्वर रेलवे स्टेशन 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, मार्केट एरिया है, गार्डन पीछे ही है, पुलिस स्टेशन 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है, मतलब पूरा मार्केट एरिया आपको सामने ही मिलता है एंड प्लस पॉइंट 7-12 वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर सिंगल ट्रांसफर प्लॉट है। आइए 1 BHK एंड 2 BHK देखिए। ये है हमारा लॉबी एरिया, 2 BHK एंड 1 BHK ये हमारा सेपरेट है। अभी स्टार्टिंग देखोगे तो 450 से स्टार्टिंग है, मैं आपको डायरेक्टली बड़े वाले दिखाता हूँ, आप आइए साइट विजिट में हमारे चारों विजिट कर लीजिए। ये होने वाला है आपका 510 कार्पेट एरिया का 1 BHK एंड आप हॉल की साइज देख सकते हो, सुपर्ब। एंड जो व्यू मिलता है माउंटेन व्यू वो ऑसम मिलता है, आपका ये व्यू कहीं जाने नहीं वाला है, बट 10-15 साल के बाद हम गारंटी नहीं दे सकते बिकॉज एयरपोर्ट आ रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ आने ही वाला है। ये साइड, ये हमारा कंसेप्ट देखोगे तो ओपन टाइप कंसेप्ट है थोड़ा, ये साइड में आपका वॉशरूम होने वाला है एंड हमारे बिल्डर आपको क्वालिटी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग एंड टाइमली पोजीशन 2026 के दिसंबर तक हम आपको पोजीशन दे देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% काम हो गया है मेरा। एंड यहाँ पे देखोगे तो वॉशरूम के सैनिटरी फिटिंग्स एंड ऑल हम आपको अच्छी क्वालिटी की ही देंगे, क्योंकि बिल्डर के यहाँ पे टोटल 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एंड ऑफकोर्स अगर आप आ रहे हो साइट विजिट के लिए मुझे कॉल कीजिए, हम तीनों चारों प्रोजेक्ट विजिट कर लेंगे, आपको जो पसंद आता है वो ले लीजिए। ये हमारा होने वाला है किचन एरिया, अभी किचन में भी कंसेप्ट अलग अलग है मेरे पास, इसको आप ओपन कंसेप्ट भी बना सकते हो एंड आपको जो 2 BHK में मैं गैलरी दिखाऊंगा किसी ने नहीं दिखाया होगा, ये गारंटी है हमारी। ये रहा से आपका बेडरूम, नहीं मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है, वॉशरूम आपको पीछे मिल जाता है ये साइड में एंड आपका बेडरूम अलग ही साइज का आ जाता है। 510 का कार्पेट एरिया है सर एंड लोडिंग जो है मैंने 38% से नहीं कंसीडर किया है, अगर आपको एजुकेशन होगा ये फील्ड में मैंने 40% से लोडिंग कंसीडर किया है, जो बोल रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ, कुछ भी बोल के कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। सेकेंडरी अभी हम देखेंगे हमारा 2 BHK जो कि होने वाला है 685 का यूनिट, हमारे पास 675 685 दोनों है, प्राइसिंग जानना है प्राइसिंग भी बोल दूंगा एंड जो प्राइस बूम हो रहे हैं पिछले साल, ये साल, अगले साल और अगले साल में जो प्राइसिंग चेंज हो गए, ओह माय गॉड, अलग ही होने वाला है। अब हॉल की साइज देखिए, डाइनिंग हॉल आपको मिलता है, आपको हॉल यहाँ तक मिल जाता है कॉर्नर टू कॉर्नर, आपको जो छज्जा एरिया है वो हमने इंक्लूड नहीं किया है एंड जो व्यू, ओह माय गॉड, अमेजिंग व्यू आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो कनेक्टिविटी सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट को आप कॉम्प्लीमेंट्री पकड़िए, आपको कनेक्टिविटी में खानदेश्वर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मेट्रो आ रही है वो अलग, उसके बाद यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन मिल रहा है जो उजवे से कनेक्टेड है, ये होने वाला है वॉशरूम एरिया, ये होने वाला है आपका किचन एरिया एंड किचन एरिया में आप इसको तोड़ के आप उसको ओपन किचन कंसेप्ट भी बना सकते हो, आपको छज्जा एरिया मिल जाता है पीछे भी, आप उसको गैलरी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये हमारे है बैक फेसिंग फ्लैट, एक फ्रंट फेसिंग फ्लैट भी हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी सारे यूनिट्स है उसमें भी, वो सीधा प्लेन का व्यू उधर से आता है एंड वो नीचे का पूरा रोड का व्यू आएगा, रोड इज 22 मीटर रोड और प्लस पॉइंट देखोगे तो सारे शॉप मेरे बिल्डिंग के नीचे, अपोजिट के बिल्डिंग के नीचे सारे शॉप, पूरी लाइन शॉप वाली है। ये हमारा होने वाला है बेडरूम नंबर 1, अभी किचन का गैलरी और ये वाला गैलरी इंटरकनेक्टेड है, आप इसको बड़ा गैलरी कर सकते हो, पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड वाला। प्लस पॉइंट देखोगे तो मेरा मास्टर बेडरूम का प्लस पॉइंट है, ये मेरा मास्टर बेडरूम होने वाला है यहाँ पे इतना मास्टर बेडरूम हो गया। अभी मेन प्लॉट दिखाता हूँ मैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पे जो छज्जा एरिया है वो छज्जा एरिया तो है बट आगे का आपको दिख रहा है एरिया वो एक्सटेंडेबल है वहां तक, और जो पूरा व्यू है आपको कॉर्नर टू कॉर्नर अमेजिंग मिलने वाला है। अभी प्राइसिंग का बोल दूँ तो प्राइसिंग का बोलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोल दूँ काफी सारे इन्वेस्टर्स, काफी सारे यहाँ पे एंड यूज वाले जो एक एक साल में रहने के लिए आने वाले हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्योंकि एयरपोर्ट के बाजू में है, एयरपोर्ट को छोड़ दीजिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको हर चीज की मिलती है, प्लस पॉइंट सिडकों के प्लॉट से, मतलब पानी का इशू नहीं, लाइट का इशू नहीं, गैस पाइपलाइन का इशू नहीं। प्राइसिंग की बात करते हैं, आई नो यू वांट टू नो प्राइसिंग,
प्राइसिंग मेरा 1 BHK 450 का स्टार्टिंग कार्पेट एरिया है, 450 का कार्पेट एरिया जाता है 45 लाख प्लस में। सेकेंडरी मेरा जो हमने देखा था 510 का कार्पेट एरिया होगा 1 BHK, वो जाता है 50 लाख प्लस में। 2 BHK मेरे पास दो यूनिट में बोलता हूँ आपको, 675 का थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, वो स्टार्ट होता है 70 लाख प्लस में। और ये वाला जो हमने अभी देखा 685 का कार्पेट एरिया, ये स्टार्ट होता है 72 लाख प्लस। एवरी प्राइस इज नेगोशिएबल, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर नीचे ना लिंक पे क्लिक करो, मैं आपको ब्रोशर प्राइस चार्ट और आपकी रिक्वायरमेंट बोलो, आपका 30 लाख का बजट है, 35 लाख का बजट है, 40 लाख का बजट है, 50 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है, जोड़ी फ्लैट भी अवेलेबल है। डोंट वरी अबाउट द फ्लैट अवेलेबिलिटी, मेरे पास 5 से 6 प्रॉपर्टी है, टॉप नॉच प्रॉपर्टी। पुष्पक नगर में 30 से ज़्यादा बिल्डर्स है बट सारे जेन्युइन है, आई डोंट नो 5-6 जेन्युइन बिल्डर्स है जिनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप 2 से 3 जेन्युइन बिल्डर्स को मिलिए, आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड जेन्युइनिटी में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब ये सब बाद में बात करते हैं, अभी वीडियो खत्म करते हैं, ये नंबर पर कॉल कीजिए, हम आगे की बात कॉल पर करते हैं। बाकी के वीडियोज़ देख लीजिए, तब तक बाय बाय।